डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रघु है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। लगभग 8 साल पहले मैं यहाँ पर आया था इलीगल इमिग्रेंट बनकर। मैं तो घूमने आया था लेकिन वापस गया ही नहीं, जिसके बाद यहाँ पर छिप छिप कर काम करने लगा। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ख़ास तौर पर मेरे दोस्त, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। फिर मैं यहाँ का सिटीज़न हुआ, अपने माँ बाप को यहाँ पर बुलाया और मेरे सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे। 8 साल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये देश मेरा ही है। कहते हैं ना, जिस देश में आप पैदा होते हैं वो आपको आंखों में सजा कर रखना चाहिए और जिस देश में आप खाते हैं उसे अपने दिल में रखना चाहिए। भारत मेरे दिमाग में, मेरे दिल में है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मेरे दिल में है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं भी उनसे दोस्ती अच्छे से निभाता हूँ। यहाँ पर सिटीज़न होने के लिए मुझे जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी, जितने भी डॉलर्स की ज़रूरत थी, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। उसके बाद से दोस्ती अच्छी होती चली गई। लेकिन यहाँ की सभ्यता कुछ अलग है। यहाँ कोई भी एक शहर में ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स कमाने के लिए हम शहर को बदलते ही रहते हैं। और मेरा एक दोस्त जॉन, जो हमारे इस शहर को छोड़कर एक छोटे टाउन में जाने वाला था, उसने कहा नौकरी अच्छी मिली है, सरकारी है और वहाँ का सबसे अच्छा घर उसने खरीद लिया है, अब वो वहीं पर रहेगा। लेकिन जॉन के माँ बाप इसी शहर में रहना चाहते थे। जॉन ने कहा शनिवार और रविवार को मैं यहाँ आ जाया करूँगा ट्रेन पकड़ कर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया करेंगे। मैंने उसकी बातों को सुना, हामी भरी और मैं चुप हो गया। दिल में थोड़ी सी उदासी थी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब मुझसे दूर जा रहा है। यहाँ पर शायद ऐसे ही होता है। 2 हफ्ते इसी तरह मैं उसका इंतज़ार करता रहा और वो शनिवार को आता, रविवार को चला जाता। 2 दिन उसके साथ बिताने का मौका मिलता। पहले की तरह हम घूमते, लेकिन 3रे हफ्ते वो आया ही नहीं। मैं उसका इंतज़ार करता रहा कि वो मुझे फ़ोन करेगा। उसका फ़ोन नंबर लग नहीं रहा था और वो मेरे घर आया ही नहीं। मुझे लगा मैं उसके घर जाकर उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं उसके घर पहुँचा, उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मैंने उसकी माँ से पूछा, देखिए आंटी, आखिर जॉन आया क्यों नहीं, क्या आपको पता है? उसकी माँ कह रही थी वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था। किसी दोस्त को उसने ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई खतरा है। देखो, तुम क्या जॉन के बारे में पता लगा सकते हो? मैंने आंटी को कहा, देखिए आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मिट्टी के नीचे से गड़े मुर्दे निकाल लेता हूँ, तो जॉन की जानकारी तो मैं निकाल ही लूँगा, फिक्र मत कीजिए। वैसे भी मुझे 2-3 छुट्टियाँ हैं, मैं वहाँ जाकर खुद ही देख कर आता हूँ, सरप्राइज़ देता हूँ, कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली उसने। लेकिन जॉन की माँ ने मुझे जो बताया था वो मेरे लिए काफ़ी अलग सी बात थी। जॉन की माँ ने कहा वो पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने कहा कि वहाँ पर लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर उसका जैसे बहिष्कार किया जा रहा है, उसके घर के अंदर भी कोई प्राइवेसी नहीं है, वो काफ़ी परेशान है। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी की लेकिन निपटारा नहीं हो पाया और उसके बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। 4 दिन हो चुके हैं उससे बात नहीं हुई, क्या तुम वहां जाकर पता लगा सकते हो? मुझे जॉन की माँ की आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी और मुझे लगा मुझे अपने दोस्त की तलाश तो करनी ही चाहिए ना। ट्रेन पकड़कर 3 घंटे का सफर करके सीधा मैं पहुंच गया था उसी टाउन में। जब मैंने उस टाउन को देखा, काफी खुशहाल टाउन था, बड़ा शहर कहलाने लायक तो वो था और स्ट्रीट एरिया अच्छे अच्छे घरों से भरा हुआ। उसमें से 307 नंबर घर जहां पर जॉन रहता था। जब मैं उस घर के सामने खड़ा था ना,
सच में उसका सपना पूरा हो गया था, ये मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। उस घर के आगे खड़ा होकर मैं बार बार बैल बजाए जा रहा था, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। मैंने देखा आगे वाले गेट पर ताला लगा हुआ था, जिस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसके बाद मैंने अपने दोस्त जॉन को फ़ोन लगाने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं पा रहा था। मुझे चिंता हो रही थी। फिर मुझे लगा उसके काम पर जाकर देखता हूँ, हो सकता है इस बार शनिवार और रविवार को भी उसे ऑफिस में बुला लिया गया हो। सरकारी काम है तो क्या हुआ, कई बार हमें काम करना ही पड़ता है। जब मैं उसके ऑफिस में पहुंचा, वहां जाकर मैंने पता किया तो मुझे पता लगा लगभग 6 दिनों से जॉन वहां पर नहीं आ रहा था। छुट्टियों पर छुट्टियां करता जा रहा था और फोन लगाने के बावजूद भी वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था। मेरे लिए यह हैरानी वाली बात थी। अपने घर में वो आया नहीं, यहां ताला लगाया है, ऑफिस वो गया नहीं, आखिर गया है तो कहां गया है। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मेरे पास चाबी थी उस घर की, लेकिन मैं अपने दोस्त को बिना पूछे उस घर के अंदर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगा मैं पुलिस से बात करता हूँ। 6 दिनों से किसी ने मेरे दोस्त को देखा नहीं था, तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गया। वो पुलिस स्टेशन उसी टाउन के अंदर था, जबकि मेरा दोस्त जहाँ पर काम करता था वो एरिया उस टाउन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं जब वहाँ उस टाउन के अंदर पुलिस स्टेशन में गया, मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता था कि मेरा दोस्त कहाँ पर है, हमें पता नहीं चल पा रहा। लेकिन पुलिस ने मुझे जो बात बताई ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मुझे बताया गया मेरा दोस्त गायब हो चुका है और उसे ढूंढने की कवायद पिछले 6 दिनों से जारी है। उसके ऑफिस में पूछने के लिए पुलिस वाले नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर कई लोग गायब होते रहते हैं, समय समय पर ऐसा कुछ होता रहता है। मैंने पुलिस वाले को कहा, होता रहता है, आपके लिए ये साधारण बात है, मेरा दोस्त कहाँ पर होगा क्या आपको पता है? पुलिस वालों ने कुछ खास नहीं बताया, बस यही कहा कि आपके दोस्त को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं, जब कोई खबर मिलेगी आपको ज़रूर बताई जाएगी। पुलिस वालों ने मुझे संतुष्ट नहीं किया था, ऐसे जवाब दिए थे जो मैं पहले सुन चुका था, हर जगह सुन चुका था। मुझे लगा कुछ न कुछ दाल में काला है। मैं उसी स्ट्रीट एरिया में पहुंचा, अपने दोस्त के घर के उस गेट को मैंने चाबी से खोला और मैं घर के अंदर जा चुका था। अंदर जाकर मैंने देखा कई जगह गार्डन में छोटे छोटे खड्डे हुए थे, वहां कई नए पौधे पड़े हुए थे जो कि गले हुए थे। मेरे दोस्त को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, जहाँ पर भी वो रहता था कुछ पौधे गमलों में ज़रूर लगाया करता था और कहता था जब मैं अपना घर बनाऊँगा सबसे पहला काम तो ये करूँगा कि अच्छे अच्छे सब्जी वगैरह के मैं पौधे लगाऊँगा, मुझे पौधों के साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर भी वो पौधे लगाने की जैसे कोशिश तो कर रहा था, सभी के सभी पौधे एक तरफ फेंके हुए, खड्डे हुए थे, पौधे लगे नहीं थे। और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे दोस्त ने खड्डे खोदे हों और वहां पर पौधे ना लगाए हों। घर के अंदर मैंने अच्छे से चेक किया, एक एक कमरे को देखा, वहां पर सामान साधारण रूप से रखा हुआ था। मेरा दोस्त ज्यादा सफाई नहीं रखा करता था, इसी तरह से गंदगी डालकर रहता था और ये चीजें वैसी की वैसी थी, बस गार्डन कुछ अलग लग रहा था। मेरा दोस्त पौधों के साथ ऐसी नाइंसाफी कभी नहीं करता। काफ़ी समय बीता, पुलिस स्टेशन में मैंने कई बार फ़ोन किया और पुलिस वालों ने मुझे बताया कि अब तक कोई खबर नहीं मिली है। मुझे लगा ये पुलिस वाले मिले हुए लगते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर चल रही है और मुझे पता लगा ना होगा। क्यों ना मैं पड़ोसियों से बात करूँ, आस पड़ोस मैं लोगों से बात करूँगा तो कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। मैं सबसे पहले पड़ोस में लोगों से मिलने लगा, उन्हें कहने लगा कि मैं उस घर में रहने के लिए आया हूँ अपने दोस्त के साथ, लेकिन मेरा दोस्त गायब है, क्या आप बता सकती हैं कि दोस्त कहां पर है? पड़ोस की वो लड़की शर्मा रही थी, लेकिन कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसने बस इतना कहा कि जॉन काफी अच्छा लड़का था, वैसे यहां पर घुमा करता था और उसकी बॉडी अच्छी थी ना, काफी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अलग था, वो यहां के नियम नहीं मानता था। उस लड़की ने जब ये बातें की ना, ऐसी कुछ बातें मुझे पुलिस वालों ने भी बताई थी कि वो नियम का पालन नहीं करता था,
मुझे लगा कोई ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता होगा, रेड लाइट उसने तोड़ी होगी या कहीं पर कोई गाड़ी ठोक दी होगी। गाड़ी अच्छे से चलानी उसे नहीं आती थी, लेकिन अब पता लगा ये कुछ अलग नियमों की बात कर रहे हैं। और उस लड़की ने कहा वो नियम नहीं मानता था। तो मैंने पूछा कौन से नियम, आखिर ऐसे कौन से नियम हो गए जो मेरा दोस्त नहीं मानता था। उस लड़की ने घबराते हुए मेरे करीब आकर कहा वही पौधों वाले, वो जमीन वाले। इतना कहकर वो डर कर वहां से भाग गई। मुझे इस तरह से बता रही थी जैसे कोई उसे पकड़ ना ले, कोई सुन ना ले, जिसके बाद उसकी मुसीबत बढ़ सकती है। और बस मुझे यही जानना था ऐसी कौन सी बात हो गई जो वो लड़की मुझे बताने से डरने लगी है। मैं जानना चाहता था तो दोबारा उस लड़की के पास जाकर मैंने सवाल पूछने की कोशिश की। और उस घर से उसके पिता बाहर आए जो मुझसे ज़्यादा समय बात करना ही नहीं चाहते थे। बस यही कहा जॉन काफ़ी खड़ूस था, लड़ता रहता था, होते हैं लड़के जवानी में कुछ ऐसे। वो भी कुछ ऐसा ही था, जवाब देना नहीं चाहता था जब भी उससे सवाल पूछा जाता। वो आदमी घर के अंदर चला गया। बाकी पड़ोसियों से मैंने बात की, सबके जबान पर एक खास शब्द था कि वो नियम नहीं मानता था। और मैंने पूछा कौन सा नियम, क्या आप बता सकती हैं कौन सा नियम, या बता सकते हैं कौन सा नियम। हर कोई बस मुझे नियम नहीं बताता, जब तक मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि मैं अपने दोस्त को ढूंढ कर ही यहाँ से जाऊँगा, तब तक मैं इस घर में ही रहूँगा और उसके बाद मुझे वो नियम बताए गए। वो छोटी लड़की 13 साल की जो मुझे कह रही थी अंकल आप कुछ भी करो यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो पौधे लगाने हैं ना 1-2 फुट की गहराई में ही लगाना, ज़्यादा खोदने की कोशिश मत करना। देखिए जॉन अंकल भी यही कर रहे थे, ज़्यादा खोद रहे थे, और यहाँ नियम है ज़मीन के नीचे खुदाई नहीं की जा सकती, पुलिस वाले आकर रोकते हैं, हर कोई रोकता है। गार्डनिंग करना इसीलिए कोई पसंद नहीं करता, देखो हर किसी के घर के आगे कोई गार्डन है, पेड़ पौधे लगे हैं, बिल्कुल नहीं हम खुदाई नहीं करते। वो बच्ची मुझे ये बताकर जा चुकी थी। पहले मुझे लगा छोटी बच्ची है, मजाक कर रही होगी, या यहाँ पर लोग इस तरह से खड़ूस हैं, पेड़ पौधे पसंद नहीं करते। होते हैं कई लोग पर्यावरण को पसंद नहीं करते, उसे बर्बाद करना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उसे ठीक करने में उन्हें कुछ परेशानी होने लगती है। उस रात मैं घर में अकेला था और सोचे जा रहा था मेरा दोस्त कहाँ पर होगा, किसी परेशानी में तो नहीं, यहाँ तो पुलिस भी मदद नहीं करती, लोग भी मदद नहीं करते, मेरे दोस्त के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं कि मेरा दोस्त कहाँ पर हो सकता है, उन्हें तो पता ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त के अधूरे काम तो मैं कर ही सकता हूँ ना। गार्डन के पीछे गया, लाइट जलाई, कई खड्डे वहाँ पर खोदे हुए थे और उनमें से कई खड्डे ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा गहरे थे, 2 फुट से ज़्यादा, और उसमें कुछ पत्थर भरे हुए। ऐसा मेरा दोस्त नहीं करता था, ये किसी और का कारनामा लगता है। मेरे दोस्त ने खड्डे खोदने की कोशिश की होगी और शायद किसी ने यहाँ पर पत्थर डाल दिए ताकि और ज़्यादा खड्डा खोदा ना जा सके। लेकिन कुछ पौधे उनमें से ठीक थे, बाकी सब गल चुके थे। कुछ पौधे ऐसे थे जिनकी जड़ें थोड़ी मिट्टी के अंदर गईं, इसीलिए वो मरे नहीं। शायद वो पौधे मुझे यहाँ ज़मीन में लगाने होंगे, कई खड्डे जिसमें मैं पौधे लगा सकता हूँ। एक एक करके मैं वो पौधों को उठाने लगा, वहाँ खड्डों में मैं वो पौधे लगाने लगा। धीरे धीरे मैंने देखा आसपास से कुछ आवाज़ें आने लगी हैं। आस पड़ोस के लोग छत पर चढ़कर मेरी तरफ देख रहे थे, उनकी नज़रें मैं साफ पहचान रहा, वो मुझे पसंद नहीं कर रहे थे। मैंने इस घर में रहना शुरू कर दिया है, उन्हें पसंद नहीं है। मैंने पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं, उन्हें ये भी पसंद नहीं है। लेकिन कारण क्या है, मुझे कारण जानना था। धीरे धीरे पौधे लगाने के बाद मैंने खड्डा खोदने की कोशिश की तो दूर से एक औरत ने मुझे तेज़ आवाज़ में कहा खड्डा खोदना मना है, यहाँ तुम्हें पता नहीं पेड़ पौधे कोई नहीं लगाता, जैसा तुम्हारा दोस्त था वैसे ही तुम हो, समझ में नहीं आता क्या किसी ने नियम नहीं बताए। मैंने भी तेज आवाज में कहा मेरा घर मेरा नियम, यहां पर मेरे दोस्त का घर है और मैं भी इस घर में रहने वाला हूं, तो यहां मेरे नियम चलेंगे, जैसा मैं करना चाहता हूं वैसा मैं करूंगा। उसके बाद वो औरत नीचे चली गई। लगभग 1/2 घंटे बाद वहां पर पुलिस आई, मेरे घर की बेल बजाई और उसके बाद जब मैं बाहर निकला
पुलिस वाले घर की तलाशी लेने लगे, फिर पीछे गार्डन में गए, खड्डों को नापने लगे थे और मुझे कह रहे, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर खास नियम है, तुम वही हो ना जो वहाँ पुलिस स्टेशन में भी आए थे, तुम्हारा दोस्त जो इस घर में रहता था वो गायब हो चुका है, तुम्हें समझ में नहीं आती, यहाँ के नियम तुम्हें भी मानने होंगे वरना नुकसान तुम्हें भी हो सकता है। तुम्हारे पड़ोस के लोगों ने कंप्लेंट की है कि तुम खड्डा खोदने की कोशिश कर रहे हो। मैंने पुलिस वाले को कहा, तो इसमें परेशानी क्या है कि आपने घर के गार्डन में मैं खड्डा भी नहीं खोद सकता, हमारा घर हमारी ज़मीन, हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे। पुलिस वाले ने कहा, नहीं, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर सकते, खड्डा नहीं खोद सकते। मैंने कहा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, दिखाओ मुझे इस स्टेट के किस कानून के अनुसार मैं अपनी ज़मीन पर पौधे नहीं लगा सकता, दिखाओ मुझे। पुलिस वाले मुझे धमका कर जा चुके थे, जबकि मैं तो उनसे ये जानना चाहता था कि मेरा दोस्त गायब हुआ है, आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। ये जानकारी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन इतना समझ में आ गया, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है और शायद मेरे दोस्त को लोग यहाँ पर परेशान तो ज़रूर कर रहे होंगे। इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गया, खिड़कियों से बाहर झांकता गया। मुझे लग रहा था यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। तभी बाहर चलते हुए एक आदमी को मैंने देखा, वो लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन उसकी चाल बड़ी अजीब सी थी। आमतौर पर अगर किसी की टांग में चोट लगी हो या किसी की टांग सही ना हो तो वो ऐसे ज़रूर चलता है, लेकिन उसका सर ऊपर की तरफ, चेहरे पर खून लगा हुआ, कपड़े फटे हुए, गले हुए, ऐसे वो सड़क पर चल रहा जैसे कोई ज़ॉम्बी हो, जैसे कोई मुर्दा हो। लेकिन थोड़ी दूर तक जब वो चल कर गया, मैंने देखा एक आदमी ने उसे पकड़ा। जब वो उस आदमी को काटने वाला था, तब दूसरा आदमी आया और एक चाकू से उन्होंने उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया। जल्दी से उस धड़ को, उस सर को लेकर वो उस घर के अंदर चले गए। ये घर हमारे पड़ोस वाला घर था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाई। पुलिस वाले लगभग 15 मिनट बाद वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन वो सीधा मेरे घर पर नहीं आए। मैंने उन्हें बुलाया था, मुझसे पहले कॉन्टैक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो सीधा उस घर के अंदर गए, कुछ बातें करके आए, जिसके बाद वो मेरे घर के आगे आए बैल बजाते हुए। मैं घर से बाहर निकला और मैंने उनसे बात करनी शुरू कर दी। वो मुझे कह रहे थे, आपको आंखों का धोखा हुआ होगा, दरअसल यहाँ लोग मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो प्रैंक कर रहे थे। अब उनमें से एक दोस्त जिसने नकली सर लगाया हुआ था, वो अजीब सी चाल से चल रहा होगा, तो दोनों ने पकड़ा, ऐसे मजाक किया वीडियो बनाने के लिए, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने उनसे कहा, तो मैं क्या उससे मिल सकता हूँ जिसका सर काटा गया है, मैंने ध्यान दिया था उसका सर, उसकी चाल, उसके शरीर को, क्या मैं देख सकता हूँ। दो पुलिस वाले थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे और उसके बाद उन्होंने साफ साफ मुझे धमकाया, देखिए किसी के घर के अंदर झांकना सही नहीं है, किसी के बारे में ज़्यादा जानना सही नहीं है, आपको परेशानी नहीं हुई ना, अगर आपको कोई परेशानी करेगा तो फ़ोन लगाइएगा, इस तरह से अगर सड़क पर आपको कोई मुर्दा नज़र आए, ऐसा कुछ नज़र आए तो हमें फ़ोन मत लगाइए, यहाँ के लोग मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं। ये कहकर दोनों पुलिस वाले वहाँ से जा चुके थे और मुझे लग रहा आधी रात हो गई है और सिर्फ एक दिन में मुझे कुछ ऐसा जानने को मिल रहा है। अगर मेरा दोस्त यहाँ पर रहता होगा ऐसे लोगों के बीच, वो तो पागल होने की कगार पर होगा, ना पुलिस वाले साथ देते हैं और यहाँ पर क्या होता है। मुझे लगा उस घर के अंदर एक बार मुझे झांकना चाहिए। मैं पीछे से गया घूमकर, दीवार के ऊपर से अंदर झांकने लगा। मैंने ध्यान दिया वो लोग वहाँ पर खड्डा कर रहे थे और उस खड्डे में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ डाल रहे। कपड़े में लिपटी हुई वो चीज़ थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, ऐसा लग रहा जैसे किसी को वो नीचे दफना रहे हों और वो इंसान जिंदा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसके बाद मैं अपने घर आ गया, मेरी टांगें कांपने लगी, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो गड़बड़ क्या है, किससे सवाल करूँ, शायद मुझे कुछ दिन यहाँ पर बिताने होंगे, सच्चाई का पता लगाना होगा और दोस्त के बारे में जानकारी तो निकालनी होगी ना। इसीलिए अगले दिन आस पड़ोस के कुछ लोगों से बात की जो कि अड़ियल थे। फिर मैं थोड़ा आगे वाले घरों की तरफ गया, कुछ और लोगों से बात करूँगा, कुछ ऐसे जो मुझे कुछ बता पाएं।
एक बुजुर्ग आदमी और उसकी बुजुर्ग पत्नी जो धीरे धीरे चलते थे, उनका घर सबसे पीछे था। उस आदमी के पास जाकर मैंने उसकी मदद की। रास्ता दूसरी तरफ था और वो गलती से कहीं और मुड़ गया था। वो गली बंद थी। वो मुझे कह रहा, घुटने दर्द कर रहे हैं, मुझे आगे तक जाना था। तो मैंने उसकी मदद की, आगे तक उसे लेकर आया और उसने मुझे आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि भगवान तुम पर अपना हाथ रखे। लेकिन मैंने जवाब दिया, भगवान का हाथ तो मेरे ऊपर है, बस लोग मदद नहीं करते। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम यहाँ पर नए लगते हो, यहीं के हो या मिलने किसी से आए हो? मैंने कहा, वो जॉन नाम का लड़का जो उस घर में रहता है, मैं उसका दोस्त हूँ। जॉन मिल नहीं रहा, कुछ दिनों से किसी को नज़र नहीं आया। पुलिस वाले मदद नहीं करते और यहाँ के लोग बेहद अजीब हैं। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, देखो बेटे, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने काम पर जाना होगा। वो नज़रें छिपा रहा था, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा कहा कि उसे मेरी मदद करनी ही पड़ी। मैंने कहा, यहाँ के लोग कैसे हैं, मरने के बाद उनके साथ क्या होगा? भगवान उनकी आत्मा को, मैं कहता हूँ, शांति ना दे। लोगों की मदद ही नहीं करनी तो आखिर भगवान उनकी मदद क्यों करेगा? वो बुजुर्ग इंसान को जैसे झटका लगा हो, तब वो नज़रें झुकाते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, क्या करूँ मैं, अगर मैंने तुम्हें बताया तो भी मुश्किल बढ़ सकती है, नहीं बताया तो भी मुश्किल बढ़ सकती है, क्या करूँ? मैंने कहा, सच बोलना हमेशा सही होता है, चाहे पूरी दुनिया को वो गलत लगे, भगवान को वो हमेशा सही लगेगा, सच्चाई के साथ भगवान चलता है। मैंने उस बुजुर्ग आदमी के अंदर एक ताकत भर दी सच्चाई की, तो वो मुझे सच बताने लगा। उसने शुरुआत बहुत समय पहले से की, लगभग 250 साल पहले से। उसने कहा, यहाँ 250 साल पहले छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, ये एक कस्बा था और यहाँ पर एक बीमारी फैली, प्लेग की तरह एक बीमारी थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा मार रही थी। उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जा सकता था क्योंकि लाशें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर एक खास हिस्सा था जहाँ पर सभी लाशों को ऐसे बड़ा सा खड्डा खोदकर दफना दिया गया। उन्हें लगा कि लाशों को दफना दिया जाएगा जिसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। कहते हैं कि हजारों हजार वो लाशें थी जो ज़मीन में दफनाई गई और उसके बाद उनके ऊपर घर बनाए गए, लेकिन ज़मीन के नीचे से आवाज़ें आती थी। कहते हैं वो मुर्दे बात करने की कोशिश किया करते थे। और उसके बाद कई लोगों ने यहाँ पेड़ लगाने की कोशिश की और पेड़ लगाने के लिए खड्डे ज़्यादा खोदे। जब ज़्यादा गहरे खड्डे खोदे गए, कई मुर्दे उन खड्डों से बाहर आते, लोगों को मारने की कोशिश करते और उन्हें काटा जाता, मारा जाता और कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में दफना दिया जाता। एक बार एक बड़ा खड्डा खोदा गया था गटर वाली पाइप डालने के लिए और गटर वाली पाइप से निकलकर कई मुर्दे आने लगे, कई लोगों को मारा, जिसके बाद यहाँ नियम बनाया गया, ज़्यादा बड़े खड्डे नहीं खोदे जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर सीवर की सारी गंदगी छोटी पाइप के ज़रिए यहाँ से बाहर निकाली जाती है, खड्डा कोई नहीं खोद सकता। और मैं सच बताऊँ, तुम्हारा जो दोस्त था ना, यहाँ पर लोगों से लड़ने लगा था। यहाँ नियम है ज़्यादा गहरा खड्डा नहीं खोदना है, तुम्हारा दोस्त ज़्यादा गहरे खड्डे खोदने लगा था, कई बार ज़मीन से कुछ ऐसा निकला था जिससे वो डरा, लोगों को बताने की कोशिश की और सबने उसे धमकाया, तुमने खड्डा खोदा तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। और उसके बाद वो दिखना बंद हो गया। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पुलिस आई थी और मुझे जान पहचान वाले कई लोग बता रहे थे कि जॉन अब गायब हो चुका है। और हमारा मानना है जो यहाँ पर गायब होता है ना, उसे वो मुर्दे मार देते हैं। कहते हैं जब भी किसी मुर्दे को एक जिंदा इंसान मिलता है ना, वो उसे मार कर अपने साथ ज़मीन के नीचे ले जाता है। वो रास्ता बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद नीचे से खोद कर बाहर नहीं आ सकते जब तक कोई बाहर से खोदता नहीं। और तुम्हारा दोस्त छिप छिप कर खड्डे खोदा करता था पौधे लगाने के लिए। गलती की होगी उसने, कोई ना कोई मुर्दा उसे खींच कर ले गया होगा नीचे। उस बुजुर्ग की बातें सुनने लायक नहीं थी। क्या बेतुकी सी बातें किए जा रहा था? मैंने उसको साफ साफ कहा, देखिए ये आप क्या कह रहे हैं, किसी मुर्दे ने मेरे दोस्त को मारा होगा? नहीं नहीं, मेरा दोस्त मरा नहीं है, पुलिस वाले मेरे दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे शक है,
ये जो इलाके के लोग हैं ना, ये पागल हैं। किसी ना किसी ने मेरे दोस्त के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है, या तो मेरे दोस्त को डराया है या मानसिक तौर पर उसे कोई परेशानी हुई है। मैं सच्चाई जानने की पूरी कोशिश करूंगा। उस बुजुर्ग ने कहा था, कुछ भी करो, किसी को परेशानी नहीं होगी। साधारण तौर पर कुछ भी कर लोगे तो पुलिस वाले भी परेशान नहीं करेंगे। बस खड्डा मत खोदना, 2 फुट से ज़्यादा गहरा खड्डा मत खोदना। उस बुजुर्ग ने बस मुझे एक चेतावनी दी थी, जिसके बाद मैं घर आ गया, सोचता जा रहा। मुझे लगा, क्या उसकी बातों में सच्चाई हो सकती है? ये जानने के लिए मुझे अपने दोस्त की वो डायरी पढ़नी होगी। मेरा दोस्त डायरी में दिन की हर बात लिखा करता था, कहीं ना कहीं वो डायरी छिपा दिया करता था। एक बार मैंने अपने दोस्त की वो डायरी पढ़ी थी, उसमें वो हर बात लिखता है, किस लड़की को वो पसंद करता है, कौन सी लड़की उसका मजाक बनाती है, किस लड़की को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि वो बातें दिल में छिपा कर रखता है, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगती हैं। बहुत मजाक बनाया था मैंने उस डायरी को पढ़कर, लेकिन उस डायरी में यकीनन ये बातें भी लिखी होंगी जो उसके साथ घटी होंगी। एक बार वो डायरी मिल जाए जो वो घर में छिपा कर रखता है। कई कमरों में खंगालना शुरू कर दिया, बेड के नीचे देखा, अलमारी के पीछे देखा, फ्रिज में देखा, और वो डायरी आखिरकार मुझे मिल ही गई। आधी रात का वक्त हो गया था, घर के हर कमरे को मैंने उथल पुथल कर दिया, आखिरकार डायरी को ढूंढ ही लिया। उस डायरी को अपने सामने रखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जिसके बाद मेरी आंखों में रोना आ जाए। मेरा दोस्त मेरे भाई की तरह था, उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। जैसे जैसे मैं उस डायरी को पढ़ता गया, शुरुआती बातें, जब वो इस शहर में आया था काफ़ी महीने पहले, घर ढूंढ रहा था और ये घर उसे पसंद आया, लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो उसने ये घर खरीद लिया, सस्ता मिला था। उसके बाद जब उसकी नौकरी लगी, वो यहाँ पर आया, रहना शुरू किया। पहले कुछ दिन बड़े अच्छे थे, लोगों ने तोहफे दिए, उससे बात की। आगे आने वाले दिन थोड़े अजीब से होने लगे, जब उसने लोगों को बताना शुरू किया कि वो गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लोगों ने कहा, नहीं, गार्डनिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती, कोई भी नहीं करता। मेरा दोस्त थोड़ा सा उदास हुआ कि यहाँ उसकी पसंद वाला कोई भी नहीं है, ना कोई लड़की ना कोई लड़का जिसे गार्डनिंग करनी पसंद हो। फिर उसे लगा, चलो कोई नहीं, शुरुआत मैं ही करता हूँ। लेकिन लोग उसे रोकते रहे कि गार्डनिंग नहीं की जा सकती। वो घर के बाहर कुछ जगह मिट्टी खोदकर वहां पर पौधे लगाना चाहता था, तब लोगों ने रोका कि तुम यहाँ कोई गहरे खड्डे खोदकर पौधे नहीं लगा सकते, छोटे मोटे पौधे लगा सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, ऐसा नहीं है, कई बड़े पौधे हैं, मैं यहाँ पर पेड़ लगाना चाहता हूँ, इस इलाके में कोई अच्छा पेड़ है ही नहीं, दूर दूर पेड़ लगे हैं और यहाँ पर बस सड़कें, घर, कोई पेड़ पौधे हैं ही नहीं, हरियाली है ही नहीं। लोगों ने तब यही कहानी मेरे दोस्त को सुनाई थी और मेरा दोस्त हंसा था, आप पुरानी बातों पर यकीन करते हैं? लोग यकीन करते थे, मेरा दोस्त यकीन नहीं करता था। जिसके बाद मेरे दोस्त ने आगे छोटे छोटे पौधे लगाए, लेकिन गार्डन घर के पीछे भी था, बैकयार्ड में। धीरे धीरे कुछ पौधे वो यहाँ पर लाने लगा, छोटे छोटे खड्डों में लगाने लगा। जैसे ही एक पिकअप ट्रक में रखकर वो बड़े पौधे लेकर आया, आस पड़ोस के लोगों ने देख लिए वो पौधे। उन्हें पता था, ये बड़े पौधे लगाने के लिए ज़मीन में खड्डे भी बड़े करने होंगे। उसने वो पौधे पीछे रखवाए, लेकिन लोग जिद करने लगे कि तुम खड्डे नहीं खोद सकते। पुलिस को बुलाया गया। मेरे दोस्त ने झगड़ा किया पुलिस के साथ, उसने कहा, मैं लॉयर करूँगा। लोग मेरे दोस्त को भले ही नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त किसी को नापसंद नहीं करता था। उसे लगता था लोग वहम ज़्यादा करते हैं, अंधविश्वासी ज़्यादा हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने उस डायरी के उन पन्नों में जो लिखा था, मैं उसे पढ़ने लगा। मेरे दोस्त ने कहा, वो रात को छिप छिप कर खड्डे खोदने की कोशिश कर रहा, लेकिन आस पड़ोस के लोग जैसे ही लाइट चलती छतों पर चढ़ जाते, तो मेरे दोस्त ने तरकीब लगाई कि लाइट्स बंद रखनी है, वहाँ खड्डे खोदने हैं धीरे धीरे, और वो कहेगा कि ये पौधे उसने लगाए ही नहीं, अपने आप ज़मीन से उग गए होंगे। रात के वक्त मेरा दोस्त खड्डा खोदता और धीरे धीरे छोटे छोटे खड्डे उसने खोद दिए थे। अब बारी बड़े बड़े खड्डों की थी, तो मेरा दोस्त एक बड़ा खड्डा खोदने लगा।
जैसे जैसे वो खड्डा खोदता गया, लगभग उस रात उसने 4 फुट का खड्डा खोदा था। रात के 2 बजे उसने उस खड्डे के ऊपर एक फट्टा रख दिया ताकि कोई पहचान ना पाए। लोग छतों पर चढ़ते हैं, एक दूसरे के घरों के अंदर झांकते हैं। मेरा दोस्त नहीं चाहता था कि कोई इस बैकयार्ड में देखे और खड्डे में पहचान करे कि कुछ ना कुछ तो है, तो फट्टा रखा। रात को घर आ गया। 3 बजे मेरे दोस्त को ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कहीं ना कहीं किसी दरवाजे को या लकड़ी की किसी चीज़ को हथौड़े से ठोका जा रहा है। मेरा दोस्त बाहर निकल कर देखने लगा, तब उसे महसूस हुआ ये आवाज़ बैकयार्ड से आ रही है। उसने देखा आस पड़ोस के कई लोग छतों पर चढ़ चुके थे। मेरे दोस्त ने पीछे लाइट जलाई ही नहीं, घुप अंधेरे में क्या नज़र आएगा। लेकिन मेरे दोस्त ने छोटी सी टॉर्च लेकर वहाँ फट्टे के पास से आ रही आवाज़ों को पहचानने की कोशिश की। आवाज़ें खड्डे के बीच से आ रही थीं। ऊपर रखे हुए फट्टे, उसके ऊपर रखे हुए मोटे वाले पौधे और कुछ ईंटे। मेरा दोस्त समझ नहीं पा रहा था आखिर खड्डे के अंदर से आवाज़ें क्यों आ रही हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोग दीवारें फांद कर वहाँ बैकयार्ड में आ गए, लाइट जलाई और मेरे दोस्त को कहने लगे, तुम खड्डे नहीं खोद सकते, यहाँ खड्डे खोदोगे तो मुर्दे उठ खड़े होंगे। देखो एक मुर्दा निकलने की कोशिश कर रहा है, एक निकला तो और निकलेंगे और उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। छोटे छोटे खड्डों में भी कई बार वो आ जाते हैं, बड़े खड्डे में ज़्यादा आएंगे, फिर तांडव होगा, मौत का तांडव। मेरे दोस्त ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जानवर बिल्ली वगैरह वहाँ फंस गई होंगी, या हो सकता है कोई चूहा होगा जो इस तरह से आवाज़ कर रहा है। मेरा दोस्त झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद मेरे दोस्त को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाया गया। पीछे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आईं चीखने की, और उसके बाद मेरे दोस्त के बेडरूम से बड़ी चादर ली गई, उसमें कुछ डाला गया जैसे कोई हिलने वाली चीज़ होगी, जैसे किसी आदमी को लपेट कर कपड़े में वो बाहर की तरफ ले गए और पीछे वाले खड्डे में उन्होंने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। मेरा दोस्त झगड़ा कर रहा था, वो जानना चाहता था आखिर उस चादर को वो क्यों लेकर गए। खड्डे के नीचे कोई लाश नहीं हो सकती, कोई मुर्दा नहीं हो सकता, ये अंधविश्वास है। लेकिन वो सभी लोग मेरे दोस्त को साफ कह रहे थे, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। खड्डे को काफ़ी हद तक भरा गया पत्थरों के साथ और अब भी वो खड्डा वैसा ही था। उसके बाद आगे वाले पन्ने खाली थे। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, मेरे दोस्त ने कुछ नहीं लिखा, यानी मेरा दोस्त उसके बाद गायब हो गया। कहाँ गया, मैं वो जानना चाहता था, आखिर मेरे दोस्त के साथ क्या क्या हुआ। मेरा दिमाग फटने को आ गया था, मुझे कोई ना कोई जवाब चाहिए था, और मैं ये जानता था यहाँ पर कोई मुझे जवाब नहीं देने वाला, तो ये जवाब मुझे खुद ही ढूंढना होगा। ज़मीन के नीचे सच में कुछ है या नहीं, और मैं एक अलग तरकीब लगाऊंगा। खड्डा मैं वहाँ पर खोदूंगा जहाँ पर एक दीवार है और दोनों तरफ के वो पड़ोसी उस जगह देख ही नहीं सकते। थोड़ी सी रोशनी करूँगा, खड्डा करूँगा, ज़मीन के नीचे पहचानने की कोशिश करूँगा क्या चीज़ है। एक न एक पौधा वो बड़े वाला वहाँ पर लगा ही दूंगा। मैं कोने में जाकर वो खड्डा खोदने लगा, 2 फुट 4 फुट। खड्डा खोदने में ज़्यादा परेशानी हुई ही नहीं, मिट्टी बहुत ज़्यादा नर्म थी और मुझे यहाँ के इलाके में जो लोग रहते थे उन पर हंसी आ रही थी कि मिट्टी नर्म है और वो कह रहे हैं मुर्दे उठकर खड़े हो जाएंगे। अगर मुर्दे मौजूद हैं, इस मिट्टी को चीरना उनके लिए असंभव नहीं हो सकता। खड्डा लगभग 5 फुट का था। 5 फुट का खड्डा खोदने के बाद सांस लेने के लिए मैं एक तरफ बैठा हुआ, रोशनी उस खड्डे की तरफ ही थी। जैसे ही दोबारा पौधा उठाकर मैं वहां लगाने के लिए गया, मुझे उस खड्डे के बीच से नीचे से एक हाथ ऊपर की तरफ सरकता हुआ साफ नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नीचे घुसकर हाथ ऊपर की तरफ लटका दिया हो। मुझे घबराहट भी हो रही थी और मेरा मन कह रहा था, नहीं नहीं, ऐसी बातें सच नहीं हो सकती। आंखें मली मैंने, सोच रहा था ये मेरे मन का वहम होगा। उसके बाद मैं नीचे उस हाथ को खींचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही हाथ को हाथ लगाया, नीचे मिट्टी को कुरेदते हुए एक लाश बाहर की तरफ आई और मेरे लिए सबसे डरावना अनुभव यही था कि वो लाश मेरे दोस्त जॉन की थी, हूबहू उसके जैसा,
लेकिन एक आंख नहीं, सर पर बड़े से कट का निशान, एक गाल मौजूद नहीं। और वो मुझे काटने की कोशिश कर रहा। मैं पीछे की तरफ हटा था, जिसके बाद वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा और मैं उसे कह रहा, मेरे दोस्त क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरी चीखें जितनी जोरदार होती गईं, आस पड़ोस के लोग रोशनी करके उतने ही छतों पर आने लगे। फिर चीख पुकार मचने लगी, क्योंकि उस खड्डे से सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं निकला था, खड्डा ज़्यादा गहरा किया था मैंने, तो कई लोग निकलने लगे, कई मुर्दे निकलने लगे। और वहाँ आस पड़ोस से लोग बंदूकें लेकर वहाँ पर पहुँच चुके थे, उन्हें मारने की कोशिशें थी। फिर मैंने ध्यान दिया, वहाँ मिट्टी में दरारें आने लगी थी, ढेर सारी दरारें। धीरे धीरे वो दरारें अपने आप बड़ी होती गई और मुर्दे ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी गीली ज़मीन के बीच से कीड़े निकलते हैं। धीरे धीरे मुर्दों की भीड़ बढ़ने लगी थी, ज़मीन से कई मुर्दे निकलने लगे थे। कुछ के धड़ टूटे फूटे से थे और लोग गोलियां चलाते हुए भागते हुए चीख पुकार बढ़ने लगी। और मैं अपने उस घर से बाहर की तरफ निकला। वो इलाके के लोग मुझ पर भी गुस्सा दिखा रहे और सड़कें धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंसने लगी। मैं उस बुज़ुर्ग के घर की तरफ भागा था, क्योंकि लोग तो मुझे भी मारना चाहते थे, पीछे से गोलियां चला रहे, कुछ लोग चाकू घोंपना चाहते थे मेरे पेट में। इतना गुस्सा क्यों, ऐसा तो यहाँ पर आम होगा ना। मैं वो दीवार को फांद कर उस बूढ़े आदमी के घर के अंदर था, एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ। और वो बूढ़ा आदमी, जिसकी बीवी की मौत पिछली शाम हो चुकी थी, वो खबर मुझे सुनने को ज़रूर मिली थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाइट जलाकर मेरे करीब आया और कह रहा, क्या ये तुमने किया है, सच बताओ क्या ये तुमने किया है। मैंने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं बस जानना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ऐसे खड्डे तो कई लोग खोदते हैं ना। उसने कहा, खड्डे तो कई लोग खोद देते हैं, गलती हो जाती है और मुर्दे बाहर आने लगते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं था उस शाप के बारे में। मैंने कहा, शाप नहीं, आपने कहा था प्लेग से मरे लोग ज़मीन में दफनाए। उसने कहा, अच्छा तो थोड़ा शायद मैं भूल गया, वहाँ प्लेग में जितने लोग मरे वो दफनाए गए थे, फिर मिट्टी से वो बाहर आते थे, लेकिन एक बार उस शाप के ज़रिए उन्हें बांधा गया ज़मीन के नीचे, ताकि वो बाहर ना आ पाए। एक ही रास्ता था खड्डा खोदने पर हर एक खड्डे में सिर्फ एक ही आदमी बाहर आ पाता, लेकिन अगर कोई हाथ से पकड़कर किसी एक को बाहर निकालता ना, उसके बाद सभी बाहर आने लगते, एक रास्ता खुल जाता। और शायद अब रास्ता खुल गया होगा, सारे के सारे मुर्दे बाहर आएंगे, जितने भी दफनाए गए हैं, कहते हैं हजारों और लाखों थे, यानी उतने बाहर आएंगे, तो ये कस्बा तो बहुत ज़्यादा छोटा है। वो घर के पीछे वाले लॉन में मिट्टी के अंदर से हाथ बाहर की तरफ सरकने लगे थे और वो बूढ़ा भागना चाहता था। मैं उसे अपने साथ भगाए जा रहा, लेकिन एक ऐसे ही मुर्दे ने गेट के बाहर, वो बड़े कद का था, उसका पोता जो यहाँ पर मरा था। मैंने उस बूढ़े को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से दूर जाना नहीं चाहता था। उसके पोते की लाश, वो उसे खा गया, गर्दन पर दांत गड़ाकर, सर को धड़ से अलग करके उस बूढ़े आदमी की लाश मैंने अपने सामने देखी और मैं भाग रहा। वहाँ ऐसा नहीं था कि ज़मीन से मुर्दे निकलने लगे हैं, वहाँ तो ज़मीन ही फटने लगी थी। कई घरों को ज़मीन दोज होते हुए देखा मैंने, चीख पुकार देखी मैंने। शायद मैंने वो गलती कर दी थी जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था। इस बात के बारे में कई बूढ़े लोग ही जानते थे कि ज़मीन में खड्डा खोदने के बाद अगर हाथ दिया जाए तो मुर्दों के लिए जगह बन जाती है। आखिर मुर्दे को हाथ कौन देगा? मेरे जैसा कोई बेवकूफ ही, जिसे लगा कि ज़मीन के नीचे कोई परेशान कर रहा है। मैंने खींचा उसे और उसके बाद ये तबाही शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों को भागते हुए शहर से देखा मैंने, पुलिस वाले गाड़ियों में बैठा कर लोगों को वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। उस कस्बे को आर्मी वालों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उस जगह की खबर उसके बाद कभी सुनने को नहीं मिली। मैं भी छिपकर, जैसे अपने चेहरे को ढांक कर वहाँ से निकला।
मुर्दों की उस भीड़ के बीच से जो दिन के वक्त दोबारा जमीन दोज हो चुके थे। बार बार जैसे रात को वो निकलते, पास के एक ऐसे खंडहर से इलाके में हमें रखा गया था। हम में से हर एक को यहां से बाहर जाने नहीं दिया जा सकता था। ये राज को हमेशा के लिए राज बनाए रखना चाहते थे वो। एक महीना मैं उसी खंडहर में रहा, न बाहर का कुछ पता था, न उस कस्बे की ज्यादा जानकारी। खाने पीने के लिए हमें मिलता था और बांध कर रखा जाता था ताकि हम भाग ना पाएं। एक महीने बाद वहां से जाने का मौका मिला। मैं पहुंचा अपने घर, रोता हुआ माँ बाप के सामने वो आपबीती बता रहा था। लेकिन मुझे खास तौर पर कहा गया था ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर बाहर आई तो मैं भी गायब हो जाऊंगा या जिसने बताई वो गायब हो जाएगा। यह खबर ना तो टीवी पर आई ना किसी न्यूज चैनल पर। वहां जाने वाला रास्ता बंद हो गया। एक ही खबर आई थी कि वहां भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए जिस कारण वहां दरारें आ गई। जबकि वो जो भूकंप था 7 दिन बाद में आया था, बहुत हल्का सा, जो यहां आते ही रहते हैं। सारा का सारा काम इस तरह से छिपाया गया। किस तरह वहां मुर्दे निकलकर लोगों को मार चुके थे ये बात गुप्त रखी गई। शायद मेरी पहचान करने वाले वो लोग भी मारे जा चुके थे, इसीलिए मुझे छोड़ा गया और मैं वहां से निकल पाया। जॉन के माँ बाप को क्या बताता कि उनका बेटा दोबारा नहीं आ पाएगा। एक उम्मीद में आज भी बैठे हैं, शायद कभी उनके बेटे को ढूंढा जा सकेगा। क्या बताऊं, उनके बेटे ने जो गलती की, भले ही मैंने भी वही गलती की थी, मैं तो बच गया, लेकिन उनका बेटा बच नहीं पाया था। आज भी उस जगह को बंद रखा गया है। वहां से बाहर कोई निकल नहीं सकता और ना कोई वहां पर जा सकता है। कहते हैं कोई गुप्त बेस बनाया गया है जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं। सरकारी तौर पर जगह को अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई मैं जानता हूं जो बाहर नहीं आनी चाहिए।